एमएस एक्सेल के अंदर फंक्शन की से क्या होता है इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कि F1 से लेकर के F12 तक इन सभी की से क्या होता है एक्सेल के अंदर, इन सभी को हम लोग कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो अपने आप को एक्सेल में और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लिया है। फ्रेंड्स ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि ये फ़ोन से हम लोग हेल्प ले सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर ये फ़ोन प्रेस करते हैं, यहाँ पर जो है हेल्प का विंडो ओपन हो चुका है। तो ये फ़ोन से जो है हेल्प मिलता है। अब आते हैं, बात कर लेते हैं F2 से क्या होता है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर आता हूँ B2 में, और यहाँ पर मैं एक नाम देता हूँ जैसे कि जय, उसके बाद यहाँ पर देता हूँ आकाश। अब हमको इसमें जो है जय का जो सेल है इसको एडिट करना है। तो इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, इसीलिए हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये सेल जो है एडिट हो चुका है। अब यहाँ पर आप जो भी अपडेट करना चाहें कर सकते हैं इस सेल के अंदर। तो जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ जय इन्फो और टैप प्रेस करते हैं। तो F2 से जो है हम लोग किसी भी सेल को एडिट करते हैं। आई होप कि इसको समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर F3 से क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो F3 से क्या होता है इसको समझने से पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज़ करेंगे। जैसे कि मैं इस यहाँ पर इन सभी रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर आते हैं फॉर्मूला में, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिफाइन नेम का। इसमें अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर एक नया विंडो जो है ओपन हुआ है डायलॉग बॉक्स, और यहाँ पर नेम पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग नेम जो दे रहे हैं, यहाँ पर जो एरिया हम लोगों ने सेलेक्ट किया है इसका हम लोग नाम यहाँ पर देने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर जो है एक नाम दे देता हूँ जैसे कि जय इन्फो। अब यहाँ पर ओके करके यहाँ पर सेव कर लेते हैं। अब मान लीजिए हम लोग ने इसमें कुछ नंबर्स दे दिए, जैसे कि इसमें हम लोग देते हैं 23, इसमें 22। तो इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नंबर्स ले लिए हैं। अब हम लोग आते हैं इस सेल में, और यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जैसे कि इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लोग देते हैं जय इन्फो। तो मैं यहाँ पर जैसे ही जय इन्फो देता हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पर पूरा सिलेक्टेड है। इसके बाद जैसे ही हम लोगों ने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टोटल अमाउंट जो है यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पर F3 प्रेस करते हैं। तो देखिए, तो ये जो हम लोगों ने नेम क्रिएट किए हैं जय इन्फो नाम से, इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम लोग F3 का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि F4 से क्या होता है। तो दोस्तों F4 से जो है हम लोग किसी भी लास्ट एक्शन को रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ और इसका साइज़ जो है इंक्रीज कर लेता हूँ। तो ये जो हम लोगों ने एक्शन किया है इसी चीज़ को हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर F4 प्रेस करेंगे तो सेम अप्लाई जो है यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि हम लोगों ने जो लास्ट में एक्शन किया है इसका साइज़ इंक्रीज़ किया है। तो सेम इसी तरह से जो है जितना साइज़ इसका है उतना ही साइज़ इसका भी आ चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे दोनों का साइज़ जो है सेम है। अगर हम लोग इसको बोल्ड करते हैं केवल, और उसके बाद हम लोग इस सेल पे आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद हम लोग F4 प्रेस करते हैं, तो सेम एक्शन जो है यहाँ पर भी हो चुका है। ये देख पा रहा होंगे कि यहाँ पर 23 जो है यहाँ पर बोल्ड हो चुका है। तो F4 से जो है कोई भी एक्शन जो हम लोगों ने पहले किए हैं प्रीवियस एक्शन उसको जो है F4 से रिपीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं F5 से क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर F5 से जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो उसको वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो F2 से जो है हम लोग गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करके हम लोग कोई भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको जाना हो C90 जो सेल नंबर है उस पर, तो यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे C90 और उसके बाद जो है ओके करेंगे, तो डायरेक्ट जो है हम लोग C90 जो यहाँ पर सेल है इसके ऊपर में हम लोग आ चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग F5 फंक्शन की का इस्तेमाल कर सकते हैं गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। वापस आते हैं कंट्रोल होम प्रेस करके। तो दोस्तों F5 से जो है हम लोग गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि F6 से क्या होता है। तो अगर हम लोग F6 प्रेस करते हैं एक्सेल के अंदर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर रिबन जो है नेविगेट कर सकते हैं। रिबन के अंदर जो टैब है इन सभी टैब के ऊपर में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ लेटर्स आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फाइल के ऊपर में है F, एच होम के ऊपर में है H, और यहाँ पर डेटा के ऊपर में है A। अगर हमको जाना है रिव्यू में तो यहाँ पर हम लोग अगर R प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो हम लोग रिव्यू टैब में जो है चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर आ चुके हैं। तो F6 से जो है हम लोग किसी भी टैब में जाने के लिए माउस का हेल्प बिना लिए जा सकते हैं। अब जान लेते हैं F7 से क्या होता है। तो F7 से जो है हम लोग स्पेलिंग चेक करते हैं DOG, और यहाँ पर लिखता हूँ DOJ।
अब इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर F7 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे कि DOJ जो है यहाँ पर डिक्शनरी में नहीं है, तो आप यहाँ पर DO से आप रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर DOG से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर DON से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं DOG लिखने वाला था, तो यहाँ से हम लोग चेंज कर लेते हैं, देखिए चेंज हो चुका है। तो एक्सेल के अंदर F7 से जो है स्पेलिंग चेक होता है। चलिए आज जान लेते हैं F8 से क्या होता है। तो F8 से जो है हम लोग मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं सेल्स का। तो जैसे कि मैं यहाँ पर F8 प्रेस करता हूँ, अगर आप बिना माउस का सहायता लिए सेल को इस तरह से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर F8 का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मैं इस सेल में आता हूँ और यहाँ पर मैं F8 प्रेस कर लेता हूँ। अब मैं अपने एरो की सहायता से जितना भी सिलेक्शन करना चाहूँ यहाँ पर कर सकता हूँ, तो इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि हम लोग F9 से क्या कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। मैं यहाँ पर इन सभी का जो है साइज इंक्रीज ज़रा कर लेता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस सेल में जाते हैं तो यहाँ पर जो है एक फार्मूला लगा हुआ है। अब इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग सम कर लेते हैं, यहाँ पर सम कर लिए, यहाँ पर 91 आया। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे कि एक फार्मूला यहाँ पर लग चुका है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे कि 91 है टोटल और यहाँ पर एक फार्मूला लगा हुआ है इस सेल के अंदर। अगर हम लोग इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और फार्मूला में जो भी यहाँ पर फार्मूला है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग F9 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ था यहाँ पर रिमूव हो चुका है और जो अमाउंट था यानी कि जो भी फार्मूला से रिजल्ट था वो रिजल्ट सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन फार्मूला जो है यहाँ पर हट चुका है। तो अगर हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो अगर हम लोग इस सेल में आते हैं और यहाँ पर भी हम लोग अगर फार्मूला बार में जाते हैं और F9 प्रेस करते हैं, तो सेम यहाँ का भी फार्मूला जो है हट चुका है और जो रिजल्ट है सेम टू सेम वैसे के वैसे ही है। तो F9 से जो है हम लोग फार्मूला को रिकैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है F10। तो F10 से भी हम लोग यहाँ पर टैब को एक्सेस कर सकते हैं बिना माउस का हेल्प लेते हुए। अगर हमको जाना है इंसर्ट टैब में, तो यहाँ पर हम लोग प्रेस करेंगे N। देखिए यहाँ पर N है, तो अगर हम लोग यहाँ पर N प्रेस करते हैं तो हम लोग इंसर्ट टैब में आ चुके हैं। अगर हमको टेबल यहाँ पर इंसर्ट करना है तो यहाँ पर हम लोग T प्रेस करेंगे, टेबल यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, रेंज जो भी रेंज आप सेलेक्ट करना चाहें, तो हम लोग यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं एंड ओके कर लेते हैं। यहाँ पर एक टेबल का फॉर्मेट लग चुका है, Ctrl-Z करते हैं। आप जान लेते हैं F11 से क्या होता है। तो F11 से जो है हम लोग चार्ट क्रिएट कर सकते हैं क्विकली। जैसे कि यहाँ पर मैं एक नाम देता हूँ और इन सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड F11 प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने F11 प्रेस किया, यहाँ पर जो है एक चार्ट बनाया आ चुका है, कलर चूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है क्विकली जो है चार्ट बन चुका है। तो F11 से जो है हम लोग क्विकली चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं, आते हैं Sheet 1 पे वापस से। और लास्ट जो है हमारा F12 फंक्शन की है। तो F12 से हम लोग एक्सेल के अंदर सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करके सेव कर सकते हैं अपने वर्कशीट को। तो ये थे हमारे एक्सेल के अंदर कुछ फंक्शंस की का इस्तेमाल। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।